हैरान करने वाली धान खरीदों में करोड़ों की धोखाधड़ी, हरियाणा के 120 आढ़ती कमीशन एजेंट बने शिकार। पीड़ित आढ़ती संघ ने की SIT गठित करने की मांग। एसंध के आढ़ती नवीद कुमार ने तंग आकर कर ली थी आत्महत्या। हरियाणा के विभिन्न अनाज मंडियों के कमीशन एजेंटों से निरसिंह के कुछ राइस मिलर्स द्वारा धान खरीद की आड़ में करीब 1200 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला 6 साल से चला आ रहा है। वह पीड़ित आढ़ती संघ के सैकड़ों आढ़ती 27 FIR के बावजूद अपने पैसों की रिकवरी को तरस रहे हैं। जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो मामला गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंच गया। उनके दरबार में कई बार हाजिरी लगाई गई, लेकिन मामला जस का तस है। पीड़िता को धोखाधड़ी के साथ साथ आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप हैं। समस्या हमारे सामने ना, हमने पुलिस के सामने बहुत गुहार लगा ली कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो ये मिसिंग के तीन मिलों ने बहुत फोन करता है हमारे साथ, लगभग 180 करोड़ रुपए की FIR इनकी आरटीओ में दर्ज है और लगभग 150 करोड़ रुपए की बैंक की FIR दर्ज है। उच्च अधिकारियों के मिलने के कारण किसी भी FIR में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और सारे मुकदमे दीवानी मुकदमे कह के निरस्त करवाए जा रहे हैं। तो हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सारे मुकदमों की SIT बनाकर इसकी एक उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाए और एक फेयर तरीके से जांच कराई जाए। हम सरकार से ये भी गुहार लगाते हैं कि या तो इसकी जांच किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कराई जाए ताकि हम सब लोगों को न्याय मिल सके और हम सब लोग जो हैं किसानों के पैसे भरपूर ढंग से उनको पूरे पैसे दे सकें। हमने 3 राइस मिलर्स को किसानों से धान खरीद कर भेजी थी, उसके बाद उन्होंने वो धान के पैसे नहीं दिए और वो पैसे उन्होंने गबन कर दिए। हमारी मांग है कि कोई SIT गठित की जाए और किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में इसकी जांच कराई जाए ताकि सारा दूध और पानी का पानी हो जाए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।